वो सुहाने दिन, दिन पुराने दिन, आशिकाने दिन। इंस्टा पे एक रील देख के पीयूष मिश्रा जी की आत्मा आ गई थी मेरे अंदर, थर्ड कॉपी उनकी। बट नेवर द लेस कपड़े प्रेस कराने दे दिए हैं, और अब चलते हैं घर की तरफ, और फिर उसके बाद आगे आपको कहानी सुनाता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ क्या हुआ। कपड़े प्रेस करा के घर तो आ गया, पर वो भैया इतने खतरनाक है ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं उन्हें पैसे दे नहीं रहा हूँ, उनसे पैसे ले रहा हूँ। भाई उन्होंने इतनी गंदी बात बोली मुझे मुंह पे, कहते हमारे बस का नहीं है 3 मंजिल चढ़ना, खुद आ जाना कपड़े लेने, नहीं तो हम ही रख लेंगे। चलो जो भी है, अब आगे की कहानी सुनाते सुनाते चाय बना लेते हैं। पर फक भाई, सारे मग्स वगैरह तो गंदे हैं, अब क्या किया जाए, पहले नहीं धो लेते हैं। हाँ भाई बहुत एंजॉय कर रहे हैं घर वालों से अकेले रहते हुए, बहुत मजा आ रहा है, लाइफ बहुत चिल चल रही है, एक नंबर। सुरेश भाई अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो, प्लीज भाई जरा आंटी के थोड़े बर्तन चुरा के लेके आओ ना भाई, कम से कम 4 प्लेट, 2 मग्स और बाकी सब तो है खैर हमारे पास, 3-4 स्पून चम्मच वम्मच ले आओ तो मजा ही आ जाए। साइनिंग ऑफ सुरेश भाई, बाय बाय। अब तो फ्रूट्स की भी वैल्यू पता चल रही है, एक तो ऑलरेडी काटने नहीं आते, और फिर उसके बाद अगर कभी खाने का मन करता है और यहाँ से ऑर्डर करो कहीं से भी, तो भाई एक्सोटिक फ्रूट सैलेड के नाम पे ये चुतियापा आता है, और ये एक सैलेड 200 रुपए का है। अब तो इसे खाने का मन नहीं कर रहा, सोच रहा हूँ फ्रेम करा के रख लूँ कहीं पे। इस फ्लैट में भी रोज कोई ना कोई दुविधा हो ही जाती है, और सिक्योरिटी के नाम पे इन्होंने इतनी सिक्योरिटी ले रखी है क्या बताऊँ। ये देखो आज ये गिर गया, ये किस दिन हमारे ही 700 रुपये गिरेगा। उदयपुर की निशानी अपने फ्रिज के लिए भी, आ हा हा पधारो सा, वाह मस्त लग रहा है। अकेले बैठे बैठे घर में इतना दिमाग बनना जाता है, मैं कपड़े प्रेस के लिए दे तो आया पर लाना भूल गया, 6:30 बज रहे हैं, अब कपड़े वापस लेके आ रहा हूँ प्रेस के, और इतना दिमाग बनना गया, अब मैं जा रहा हूँ वापस दीदी के पास, वहाँ एटलीस्ट PSE खेल लूँगा बैठे बैठे, यहाँ पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। और घर के बाहर अमेज़ॉन वाले भैया आ गए हैं, उनसे जाके अपना ऑर्डर कलेक्ट करूँ, और पहुँचूँ घर। कहाँ है भैया, कह तो रहे थे घर के बाहर ही खड़े हैं। मेरा कद्दू का डोर स्टेप डिलीवरी, मुझे जाना पड़ता है नीचे रिटर्न की आइटम लेके भी। अमेज़ॉन वालों बावला बनाना छोड़ दो। भैया बेस ट्यूब एक नंबर लगवा रखी है आपने गाड़ी में, स्पीकर है ही नहीं गाड़ी में, ब्लूटूथ कनेक्ट करा दो यार। कर रहा कर, ये भी एक नंबर लग रहे हैं, पर अभी चलाते नहीं हो गए आप, और बड़े टाइम बाद देखे एम्बेसडर के बाद, एक नंबर चीज है। आम्रपाली पहुंच गया, अब जाता हूं ऊपर दीदी से मिल के आता हूं, उससे पहले आज मंगलवार है तो आपको भी ज़रा बजरंगबली के दर्शन करा दूं, जो मांगोगे शायद पूरा ही हो जाए, पर उसके लिए पहले मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मैं उनके बहुत करीब हूं, जो मेरा ध्यान रखता है वो उनका ध्यान रखते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री। रिकॉर्डिंग करनी नहीं चाहिए मंदिर के अंदर, अपने भगवान को थोड़ा छुपा के रखना चाहिए, ऐसा हमेशा पापा कहते हैं, पर आप लोग भी दर्शन कर ही लो, अच्छी बात है। ये बाय द वे ये आम्रपाली Phase 2 का मंदिर है, बहुत सुंदर है। आपका भी कोई रिश्तेदार अगर आम्रपाली में हो तो आना, मस्त प्रसाद खाना और चले जाना, या फिर मुझे भी फेमस कर सकते हो, अगर मैं फेमस हो गया तो मैं मीटअप यहीं पर रखूँगा, जनकपुरी में तो कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर मिलेंगे यहीं पर मस्त बैठेंगे और प्रसाद खाएंगे सारे मिलके, बूंदी का और या फिर बेसन के लड्डू, मजा आ जाएगा, सबको खिलाऊंगा, बस एक बार फेमस कर दो और देख लो। आज डिनर में है डोसा सांबर, मतलब टोटल साउथ इंडियन खाना, और बोरी चटनी। आज मतलब आना काफी फ्रूटफुल रहा नोएडा, पर एक बात है सोचने वाली, जब मैं आ रखा होता हूँ नोएडा तो ये बनवाते हैं मसूर की दाल, उड़द की दाल, जीरे वाले आलू, आज तो मैं बाई चांस आ गया, सरप्राइज था इनके लिए, ये लोग मुझे प्यार नहीं करते मुझे लग रहा है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, तुम जितने भी फ्लैटमेट्स हो राधिका के, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ। अभी अभी डिस्कवर किया, आज तो 7 तारीख थी, यानी रोज डे, भगवान करे मेरे सारे होमीज को रोज मिले गुलाब,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग। कल मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पे। टिल देन बाय।